हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज हमारा जो .NET कोर का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम 5 वेब पेज एप्लीकेशंस .NET कोर में बना सकते हैं। जैसे .NET कोर के अंदर यदि आपको 5 पेज का एक वेब एप्लीकेशंस बनाना है बाय स्क्रैच, तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जनरली कोई भी कंपनी की वेबसाइट यदि होती है तो उसके अंदर एक फ्रंट पेज होता है, उसके बाद फिर होम पेज, अबाउट अस का पेज, सर्विसेज का पेज, गैलरी का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज। यदि आपको इस तरीके का पेजेस यदि आपको .NET कोर के अंदर बनाना है तो कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 में गया और यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। प्रोजेक्ट के लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर्स आपको यही चूज करना है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है। इसके बाद मैंने इसका नाम दे दिया 5 पेज एप्लीकेशन, या मैं कोई भी कंपनी का नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर जॉब पोर्टल। ठीक है, जॉब पोर्टल मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया। अब इस प्रोजेक्ट का एक फ्रंट पेज मैं आपको बना करके बताऊँगा, इसके बाद किस तरीके से इंटरनल पेजेस बनेंगे वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट में गया, आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। करेक्ट, तो इससे हमारा पूरा एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर अब देखो .NET के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि .NET के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले से क्या होता है, रेडीमेड रहता है। ठीक है, मतलब पहले से माइक्रोसॉफ्ट आपको एक लेआउट बना करके देता है। तो हम अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको लेआउट बना के दिया है उसी लेआउट मॉडल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, हम अपना कोई भी लेआउट मॉडल यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको अपना लेआउट मॉडल भी बना करके बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, आप इसमें प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर देखिए, इसमें व्यूज़ है और व्यूज़ के अंदर शेयर्ड नाम का फोल्डर, और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आपको _layout.cshtml करके फाइल देता है। _layout.cshtml एक मास्टर फाइल है, इसके अंदर आपका जो मास्टर पेज का जो लेआउट है वो पूरी तरह से बना हुआ है। ठीक है, इस लेआउट को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ये HTML का पेज है। ठीक है, ये आपका HTML का हेड सेक्शन होता है, ये HTML का बॉडी सेक्शन होता है, इसके अंदर ये आपके टैग्स हैं, जैसे हेडर टैग हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कंटेनर्स हो गया, ये इसके बाद ये फूटर टैग हो गया, मतलब ये पूरा एक पेज माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से बना के रखा हुआ है। हेडर फूटर हर एप्लीकेशन में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, सिर्फ मिडिल पार्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मिडिल पार्ट को कॉल करने के लिए रेंडर बॉडी मेथड इसने पहले से दिया हुआ है। रेंडर बॉडी का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड पेज के अंदर का जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को इस लेआउट पेज के अंदर क्या होगा, शो होगा। ठीक है, जैसे आप होम पेज बनाओगे तो होम पेज में अब आपको पूरा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके लेआउट पेज के अंदर पूरा डिजाइन है, हेडर बना हुआ है, फुटर बना हुआ है, मतलब आपका जो पेज का जो स्ट्रक्चर है। लेआउट पेज में क्या होता है कि आपका पूरा इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक पेज बना के दे दिया। ठीक है, जिस पेज के अंदर पहले से हेडर बना हुआ है, फुटर बना हुआ है और बीच में क्या फिट कर दिया, रेंडर बॉडी। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका, एक रेंडर बॉडी है। अब जैसे आप होम पेज बनाओगे तो होम पेज के अंदर आपने कोई कंटेंट लिखा, आपने एक्स वाई जेड कुछ भी कंटेंट लिखा, जैसे आपका होम पेज ओपन होगा तो होम पेज ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस रेंडर बॉडी से जाकर के मर्ज हो जाएगा। तो ये सिस्टम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ही ASP.NET मास्टर पेज कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट किया था और बाद में इसको MVC या .NET कोर के अंदर लेआउट पेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको 5 पेज की वेबसाइट बनाऊंगा तो 5 पेज की वेबसाइट मैं आपको बहुत ही आसानी से बना सकता हूं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने लेआउट या मास्टर पेज आपको पहले से पूरा बना के दिया है। आप दूसरी टेक्नोलॉजी से आप जावा में बात करते हैं या PHP की बात करें तो वहां पर आपको मैनुअली ये सब चीज़ें करनी होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने आपका 50% जो वर्क है वो पहले से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब आपको सिर्फ 50% काम ही करना है। तो इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये बता देता हूँ। तो लेआउट पेज में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेआउट पेज आपका पहले से बना हुआ है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करना है, चाइल्ड पेज पे। तो यहाँ पर हम एक कंट्रोलर्स बनाते हैं, कंट्रोलर्स का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम दे दिया मैंने गेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो अपन कंट्रोलर बना रहे हैं ये गेस्ट के लिए बना रहे हैं। गेस्ट क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो जिसको सभी टाइप के पेजेस की जो बिना लॉगिन के जितने भी पेजेस की एक्सेसिबिलिटी है वो सभी गेस्ट के पास होती है। तो गेस्ट मतलब बिफोर विदाउट लॉगिन यदि आप जितने भी पेजेस को एक्सेस कर सकते हो वो कहलाता है गेस्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने गेस्ट दिया है तो आपको ही गेस्ट देना, कोई भी नाम आप कंट्रोलर का दे सकते हो जो आपके वेबसाइट से आपके प्रोजेक्ट से बिलोंगिंग हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे गेस्ट कंट्रोलर दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 पेज का वेब एप्लीकेशन हमें बनाना है, यहाँ पर मैंने आई एक्शन रिजल्ट ले लिया। देखो ये कंट्रोलर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लास का नाम यहाँ पे कंट्रोलर से इनहेरिट होगा, इंडेक्स नाम का मेथड बना हुआ है। ठीक
ठीक है, इस मेथड को मैंने इंडेक्स के स्थान पे इसका नाम दे दिया मैंने होम, ठीक है, मैं इस मेथड को होम नाम दे दिया। इसके बाद एक दूसरा मेथड मैंने यहाँ पे बनाया, दैट इज़ कॉल्ड अबाउट अस। ओके, आई विल प्रोवाइड द मेथड नेम अबाउट अस, यहाँ पर मेथड का नाम मैंने दे दिया अबाउट अस। ओके, इसके बाद थर्ड मेथड है, इस मेथड का नाम मैंने दे दिया सर्विसेस, सर्विसेस, ठीक है। फोर्थ मेथड का नाम दे दिया मैंने करियर, ठीक है। ये एक कॉमन पेजेस होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी की यदि वेबसाइट बनती है तो ये पेजेस तो रहते ही रहते हैं। फिफ्थ नंबर पे दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये सभी पेजेस मैंने बना दिए, अब इनके व्यूज़ बनाऊंगा मैं। यहाँ पे होम पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू में गया, ठीक है, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, वापस से मैं आपको रिकॉल करता हूँ। राइट क्लिक किया होम के अंदर, ऐड व्यू में गया, ठीक है, यहाँ पर आपको रेजर व्यू देना है। इसके बाद आपको ऐड ऑप्शन में जाना है। अब ऐड ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगा, इसमें आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। विदाउट मॉडल है अभी हमारा, ठीक है। यहाँ पे यूज़ अ लेआउट पेज, देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूज़ अ लेआउट पेज, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अब आपको डिफ़ॉल्ट लेआउट पेज लेना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस यूज़ अ लेआउट पेज करके आप क्लिक कर दीजिए। आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए कि गेस्ट नाम का एक फोल्डर बनेगा, ठीक है, व्यूज़ के अंदर। और इसके अंदर अभी होम डॉट सी एस एच टी एम एल नाम से एक फाइल आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। द फर्स्ट फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड whose name is home.cshtml, it is generating the code, I think it will take the time, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। इस पेज के अंदर आपको जो भी कंटेंट देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया वेलकम, जैसे मुझे फर्स्ट 5 पेज का एप्लीकेशन देना है, वेलकम इन जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, पैराग्राफ में आपको जो भी कंटेंट बिलोंग करना है, ठीक है। अब अभी आपको इनिशियली आपके पास यदि कंटेंट नहीं है तो आप लोरेम कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए क्रोम में जाइए और यहाँ पे आप यहाँ पे लोरेम कंटेंट, लोरेम एक्चुअली क्या है, एक कंटेंट फेक कंटेंट की साइट है। इसमें जो कंटेंट होते हैं पूरे फेक कंटेंट होते हैं। यदि आपके पास इनिशियली कंटेंट नहीं होता है तो आप लोरेम कंटेंट के थ्रू अपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो कॉपी कर दिए, ये एक्चुअली क्या है, ऐड मैंने डिसेबल कर रखा है, ठीक है। आई विल कॉपी दिस लोरेम कंटेंट फ्रॉम देयर एंड जस्ट पुट इट, ओके, अगेन इन सेकेंड पर है, जैसे आपको कंटेंट थोड़ा समझ में आए। ये मैंने दोनों कंटेंट्स यहाँ पे मैनेज कर दिए, ये मेरा होम पेज क्रिएट हो गया। ऐसे मैं अबाउट अस का पेज बनाऊँगा, ऐड व्यू में गया, रेजर व्यू में गया, यहाँ पे मैं अबाउट अस का एक पेज हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अबाउट अस का पेज भी सेम रहेगा लगभग लगभग। ऐसे ही सर्विसेस का पेज बनेगा, करियर का पेज बनेगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम लिटिल बिट, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक स्कैप फोल्डिंग टेक्निक के थ्रू पूरा फोल्डर्स बनाता है, फाइल्स बनाता है, तो ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। ये पेज हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जो थर्ड पेज है हमारा, दैट इज़ द सर्विसेस पेज, एड व्यू में गया, यहाँ पे रेजर व्यू में गया, ऐड गया, सेम प्रोसेस, सर्विसेज पेज आल्सो विल बी क्रिएटेड। ओके, जनरेटिंग कोड, आफ्टर दैट करियर एंड कॉन्टैक्ट अस पेजेस विल बी क्रिएटेड। इसके बाद करियर पेज मैंने क्रिएट किया, राइट क्लिक किया, एड व्यू में गया, रेजर व्यू में गया, ऐड किया, यहाँ से हमारा करियर पेज क्रिएट हो गया। एंड फाइनली
कॉन्टैक्टस पेज, ठीक है। तो ये लास्ट पेज है कॉन्टैक्टस पेज, ये फाइनल पेज है, इसको भी अपन क्रिएट करते हैं। एड व्यू में जाएंगे और यहाँ पे रेजर व्यू में सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा कॉन्टैक्टस का पेज भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से होम डॉट सी एस एस टी एम एल, अबाउट डॉट सी एस एस टी एम एल, सर्विसेज डॉट सी एस एस टी एम एल, करियर डॉट सी एस एस टी एम एल और कॉन्टैक्टस डॉट सी एस एस टी एम एल क्रिएट हो गया। इसको अपन बोलते हैं व्यू लेयर्स, ओके। तो इनिशियली क्या होगा, कंट्रोलर्स होगा, कंट्रोलर्स किसको लोड करेगा, व्यू लेयर्स को लोड करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें वापस से अब इस एप्लीकेशन को एक बार हम चलाते हैं, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को जैसे मैं चलाऊंगा, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाऊंगा मैं, कंट्रोलर्स बस चेंज करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नाम क्या है, गेस्ट है, तो मैं इसमें गेस्ट कर दूंगा। एक्शन का नाम इंडेक्स है, तो इंडेक्स के स्थान पे मैंने एक्शन का नाम दिया है होम, तो मैंने यहाँ पे होम कर दिया। अब एक बार मैं बिल्ड करके चलाता हूँ, आपका फ्रंट पेज पूरी तरह से रेडी होगा विथ डिजाइनिंग, मतलब हमने अभी कोई भी डिजाइनिंग नहीं किया और वो भी एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन आपके सामने प्रिपेयर्ड होगा। तो अब आप खुद सोचो कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है अदर टेक्नोलॉजी में। माइक्रोसॉफ्ट ने लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल में पूरा बूटस्ट्रैप का इंटीग्रेशन करके आपको पूरा मास्टर पेज रेडी टू यूज़ प्रोवाइड करके देता है। यदि आपको डिजाइनिंग में कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। देखो जैसे ये वेलकम इन जॉब पोर्टल एप्लीकेशन, ये पूरा आपको पूरा पेजेस आपके सामने क्या है बिलोंगेंगे। अब हमें क्या करना है, नेविगेशन के अंदर बस अभी एक पेज है। अब हमें यहाँ पे नेविगेशन में मेन्यू लगाना है, होम, अबाउट अस, अवर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, मैनिपुलेट करना है। तो हम यहाँ पे गए वापस से और इसके अंदर जो भी चेंजेस करना है आपको, अब लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल में चेंजेस करना है और कौन सेक्शन में चेंज करना है, हेडर में करना है, ठीक है। तो हेडर के अंदर हमें इस एरिया में जाना है, जैसे अभी यहाँ पर होम है। अब हमें कंटेंट्स अपने अकॉर्डिंग प्राइवेसी ये नहीं रखना है, अभी इसमें होम रखना है, बाकी कंटेंट्स हमें हटाना है, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। एल आई, अब थोड़ा सा बेसिक आपको एच टी एम एल पता होना चाहिए कि एल आई क्या होता है। एल आई मतलब होता है लिस्ट आइटम, मेन्यू बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं गया, इसके अंदर कंटेंट्स में मैं होम के जगह में यहाँ पे कर दिया अबाउट अस, फिर यहाँ पे कर दिया मैंने सर्विसेस, फिर यहाँ पे कर दिया मैंने सर्विसेस के बाद करियर, फिर यहाँ पे लास्ट में कर दिया मैंने कॉन्टैक्टस। और इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या किया, एक्शन चेंज किया, कंट्रोलर का नाम तो सेम है, एक्शन चेंज होगा। जैसे अबाउट अस के एक्शन का नाम क्या है, अबाउट अस है, ठीक है। अब ये आपके मेथड का नाम है, सर्विसेज के अंदर के मेथड का नाम सर्विसेज है, ठीक है। तो इधर जो आपको बीच में जो लिख रहा हूँ ये आपके मेन्यू टाइटल है। करियर के अंदर के मेथड का नाम करियर है, तो आपको यहाँ पे करियर ही देना है। कॉन्टैक्ट अस के जो आपका है उसके मेथड का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट अस ही है। इस तरीके से मेथड का नाम मैंने चेंज किया और ये वेबसाइट आपका लगभग लगभग का एक बेसिक मॉडल वेबसाइट का, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट प्रिपेयर हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का यूनिक पॉइंट क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब दूसरी टेक्नोलॉजी में आप वेबसाइट का मास्टर लेआउट बनाओगे तब तक में आप माइक्रोसॉफ्ट .NET कोर का यूज़ करके या .NET MVC का यूज़ करके आप पूरा एक 5 पेज का एप्लीकेशन बना सकते हो। देखो अबाउट अस पे क्लिक किया, ठीक है। अभी मेरा जो URL है वो थोड़ा सा नॉन बिलोंगिंग है, ठीक है। सर्विसेज, होम के अंदर सर्विसेज में गया, फिर यहाँ पे करियर, होम के अंदर करियर में गया, फिर कॉन्टैक्टस, होम के अंदर कॉन्टैक्टस, ठीक है। कैन नॉट द लोकल होस्ट पेज कैन नॉट बी फाउंड, ओके। तो यहाँ पर ये 404 का कुछ एरर्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसको अपन एक बार, दिस इज सिक्योरिटी कंसर्न आई थिंक दैट, तो इसको हम चलाते हैं क्रोम में एक बार। जो होम पेज, होम के अंदर लोकल होस्ट कैन नॉट, नो वेब पेज फाउंड विद द वेब एड्रेस, ठीक है। इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कंट्रोलर्स का नाम क्या है, ESP कंट्रोलर होम, एक्शन का नाम क्या है अबाउट अस, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे कंट्रोलर का नाम क्या है हमारा, गेस्ट। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंट्रोलर है, दिस इज़ द नॉट होम, ठीक है। यहाँ पे अपने चेंजेस करना रहेगा, कंट्रोलर का नाम क्या है अपना, गेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, अभी इसको पहले URL में चेक कर लो, गेस्ट स्लैश होम में ओपन हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे गेस्ट स्लैश अबाउट अस, इसमें URL पैटर्न भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे URL पैटर्न में, जैसे मैंने होम के अंदर मैंने यहाँ पे होम स्लैश इंडेक्स लिखा,
ये दूसरा होम को ओपन कर रहा है, तो हमारा जो यूआरएल पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखना है अपने को एक्शन में, तो ठीक है। अब जहाँ जहाँ गेस्ट होम लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, गेस्ट लिखना है। एक्चुअली क्या, ये लेआउट पेज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से बना के रखा है, तो उसमें उसने कंट्रोलर के अंदर क्या बाई डिफॉल्ट मैनेज करके रखा है, होम। क्योंकि आप जब भी .NET का कोर का कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो इनिशियली जो कंट्रोलर होता है वो होम कंट्रोलर होता है, इसलिए हमें अपने कंट्रोलर का नाम चेंज करना होगा। बस बस ये चेंजेस हैं। तो देखो सबसे मेन होता है डिबगिंग, कि आपका कोड में यदि किसी भी टाइप का कोई एरर आ रहा है तो आपको उसको तुरंत डिबग करते आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो कोड बना हुआ है ये मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट पेज यूज़ किया है। मैं नेक्स्ट सेशन जब आपको बताऊंगा तो उसमें मैं अपना खुद का लेआउट पेज बताऊंगा, ठीक है। मैं अपना खुद का मास्टर पेज बनाऊंगा और उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, दैट थिंग आई विल डिस्कस। अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर का जो लेआउट पेज है उसको मैंने एक्वायर किया है, ठीक है। ये अबाउट अस है, ये सर्विसेज है, ये करियर है, ये कॉन्टैक्ट अस है। तो ये आपका एक बेसिक पेज क्या है, डिजाइन हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पे लोगो के अंदर जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरा पाथ आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये पाथ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगो के अंदर का जो पाथ है वो यहाँ पर है, यहाँ पे होम कंट्रोलर है, तो यहाँ पे होम कंट्रोलर के स्थान पे गेस्ट देना है, और एक्शन के अंदर क्या देना है अपने को, होम देना है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि जो ये लेआउट पेज है ये क्या मल्टीपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेआउट पेज बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि .NET एक बहुत बड़े ERP एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, और ERP के अंदर अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इंटरनल पेजेस होते हैं, एक्सटर्नल पेजेस होते हैं। तो वहाँ पर आपके मेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो अलग अलग टाइप के मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखो सर्विसेज, करियर, कॉन्टैक्टर्स, होम। अब आपको अबाउट अस के अंदर कोई भी कंटेंट लिखना है, आई थिंक दैट इन गेस्ट इंडेक्स होम में भी पाथ चेंज है, तो यहाँ पे होम में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम होम है, तो ये भी हमें मैनेज करना होगा। अब आप यहाँ पे अंदर का पेज देखो, अबाउट अस में आपको कोई भी कंटेंट यदि लिखना है तो आप ये कंटेंट उठा करके यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने home.cshtml के अंदर जो कंटेंट लिखा है, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे भी लोरम कंटेंट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वी कैन कॉपी देयर कंटेंट, तो यहाँ पर कोई सा भी लोरम कंटेंट अपन कॉपी कर लेते हैं और इस कंटेंट को अबाउट अस में रख देते हैं, जिससे कंटेंट थोड़ा सा आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि पेजेस क्रिएट हुआ है। होम अबाउट अस सर्विसेज करियर, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस, ओके। अगेन आई विल रीबिल्ड इट, और इसको मैंने अगेन रन किया, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ्रंट पेज में एक यूट्यूब का वीडियो भी क्या होना चाहिए, शो अप होना चाहिए, ठीक है। वीडियो इंटीग्रेशन करना है, यूट्यूब का वीडियो शो करना है, या कोई इमेजेस लगाना है। तो देखो यूट्यूब का वीडियो यदि है तो जैसे मैं शिवा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साइट पे जाता हूँ, यहीं पर मैं .NET कोर का जो लेक्चर्स है या कोई भी लेक्चर्स, में करियर ओरिएंटेड लेक्चर्स भी मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे मोटिवेशन लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे 15 मस्ट हैव स्किल्स टू गेट ए वेब, जैसे ये हमारा एक लेटेस्ट वीडियोज है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ वेब डेवलपर में जॉब पाना ही चाहते हैं, ये 15 स्किल्स करके टैग, ठीक है, आई फ्रेम टैग, ठीक है। इस टैग को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद home.cshtml में गए, और जहाँ पर भी आपको ये वीडियोस लगाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इनिशियली मुझे ये वीडियो लगाना है, तो मैंने इनिशियली इस वीडियो को लगा दिया। मतलब आई फ्रेम, मतलब हर, ये आपका एक API है, ये आपका एक आई फ्रेम टाइप का एक टैग होता है, जिसके थ्रू अपन किसी भी अदर साइट को अपने मेन साइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही बनाया गया टैग है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर टैग है ये। देखो यहाँ पर ये जो वीडियोस मैंने बनाया, ये वीडियोस यहाँ पे क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। यदि आपको अपना कोई इमेजेस या कोई ऑफलाइन वीडियोस करना है तो यहाँ पे एक www रूट करके फोल्डर होता है, यहाँ पे आप एक IMG फोल्डर बना लो और यहाँ पे अपने इमेजेस रख सकते हो। तो ये नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा कि बाय स्क्रैच, मतलब अपन अपना खुद का लेआउट कैसे बनाएंगे, कैसे CSS अपना खुद का बनाएंगे। अभी जो CSS है ये सब माइक्रोसॉफ्ट का CSS है, रेडीमेड CSS है, तो हम अपना खुद का CSS कैसे बनाएंगे, किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पहले आप इस तरीके से 5 पेज का एप्लीकेशंस बना के देखिए, ठीक है। और अपना क्रिएटिविटी, यदि आपको CSS का नॉलेज है, यदि आपको HTML का नॉलेज है, तो अपना क्रिएटिविटी भी आप इस लेआउट पेज के अंदर लगा सकते हैं।